सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। सेना के काफिले पर हमला हुआ है, एक उग्रवादी संगठन ने यह हमला किया है जिसमें सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान सेना के 6 डोगरा रेजिमेंट के थे और इन लोगों पर उस वक्त हमला हुआ जब इनका काफिला मोटुल से इम्फाल जा रहा था। इस हमले में 12 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक अभी अभी खत्म हुई है जिसमें कि रक्षा मंत्री जो है वो गृह मंत्री के पास गए और साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, साथ में सेना प्रमुख भी थे। राजीव हमारे साथ है। राजीव, अब कुछ और डिटेल्स मिल पाई हैं इस घटना के? देखिए, सबसे बड़ा बात आपको ये बता दें कि पिछले एक दशक में सेना को एक दिन में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, सबसे बड़ी बात ये है। और यही वजह थी कि रक्षा मंत्री खुद चल के आ रहा है, गृह मंत्री के साथ बैठक की, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल थे, खुद सेना प्रमुख भी शामिल थे। उस बैठक में क्या हुआ इसका पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन साफ है कि अब सरकार जो है, जो नागालैंड, इम्फाल और म्यांमार के आसपास जो उग्रवादी ग्रुप है जो इस तरह की हरकत करते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि रक्षा मंत्री से हमने पूछा, एनएसएस से पूछा कि सर इस पर आपको क्या कहना है, कौन सा ग्रुप जिम्मेदार है, इस बारे में भी बोलने को तैयार नहीं हुए। लेकिन सरकार का संकेत साफ है कि जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों का कड़ी कार्रवाई कर रही है, कुछ वैसा ही कार्रवाई यहाँ भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। जी जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हमले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि आज मणिपुर में हुआ नासमझी भरा हमला काफी पीड़ादायक है, देश के लिए कुर्बानी देने वाले हर सैनिकों को मैं नमन करता हूँ।